इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा पर है। सीएम मोहन यादव का यूके दौरा पूरा हो चुका है। 3 दिन में अलग अलग उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री यादव को मिले हैं। इंग्लैंड दौरे के अंतिम दिन सीएम लंदन की वारविक यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 दिवसीय विदेश यूके दौरे में विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। इन बैठकों का नतीजा यह रहा कि मध्य प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में चिकित्सा, उद्योग, खनन, एग्रीकल्चर और सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल है। इंग्लैंड का दौरा ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए और ख़ास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है मुझे इस बात का संतोष है। उसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। लेकिन केवल निवेशक नहीं, हमने कहा ये नए प्रकार का दौर है। ऐसे में आज मैं वारिक में इस WMG विश्वविद्यालय के कैंपस में आया हूँ। इस कैंपस का उद्देश्य ये हमारे भट्टाचार्य जी द्वारा स्थापित कैंपस है जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इसकी मूल कल्पना भी इसी प्रकार की है कि हम यहाँ रिसर्च भी करें और रिसर्च से अपने अपने नवाचार करते हुए न केवल उद्योग के लिए बल्कि उद्योग के बाद उसका तुरंत लाभ नीचे समाज में आए और उस समाज उस बात के आधार पर अपनी नई व्यवस्थाओं के आधार पर इस उपलब्धि को आप अंगीकार भी करें। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि इंग्लैंड का दौरा हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आए हैं। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने रुचि दिखाई है। निवेश प्रस्ताव में हर तरह के सेक्टर जैसे चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग और सर्विस शामिल है। एग्रीकल्चर में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। सीएम यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में ऑटोमोटिव फील्ड में बड़े पैमाने पर कार्य जारी है। संभावनाएं तलाशी जाएंगी कि मध्य प्रदेश के युवा यूके के वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में आकर दक्षता अर्जित करें और ग्रुप के विशेषज्ञ भी मध्य प्रदेश आकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। साथ ही विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से WMP ग्रुप को संबद्ध करने की दिशा में भी पहल होगी। आज के इस युग में इस बात के लिए, चूंकि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑटोमोटिव सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए आपका भी हम एक तरह से दो तरह से उपयोग करना चाहेंगे। एक तो हमारे बच्चों को यहाँ आकर के सीखने का, यहाँ से कुछ आपके वहाँ जा करके, तो परस्पर साझेदारी इस प्रकार से बनाएं। दूसरा, हमारी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कुछ विश्वविद्यालय से, कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटियों से हमारा अपना परस्पर संबंध कैसे अच्छा बन सकता है, उसका लाभ हम कैसे उठाएं। आज के इस दौर में इसी बात के साथ साथ कई हमारे बड़े बड़े घराने भी इसी तरह से काम कर रहे हैं कि हम वो इंडस्ट्री में भी ये रिसर्च के कैंपस खड़े करना चाहते हैं, और वो अच्छी बात भी है। बदलते दौर में हम संस्थानों का ऐसा विकेंद्रीकृत मॉडल भी बनाएं जो एक यूनिवर्सिटी कैंपस में होने के से भी हमारा ये भी काम का है ताकि सतत रिसर्च हमारी चलती रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव वारविक यूनिवर्सिटी में देश के अन्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से भी मिले। इस कैंपस में पूरी दुनिया से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। सीएम ने कहा है इस मॉडल को हम मध्य प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ के विश्वविद्यालयों का मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ MOU कराएंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे इंडस्ट्री के कैंपस में भी ऐसे रिसर्च सेंटर बने जिनका लाभ सभी को मिले।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लंदन दौरे के बाद अब 28 से 30 नवंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे म्यूनिख और स्टुटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहां के उद्योगपतियों को एमपी में इन्वेस्ट की संभावनाएं बताएंगे।